ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी। आपके साथ बताया हुआ हर वक्त मेरे लिए बहुत कीमती है अपराध। जब मैं आपको देखती हूँ, जब मैं आपसे बात करती हूँ, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। खास तौर से कुछ हो गया तो वो सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है अपनी फैमिली को। मानो हाँ, अभी तक सोई क्यों नहीं? मैं वो बस अब्रार का वेट कर रही थी। वो कहाँ गया? नेहा के घर ही गया होगा। और कहाँ जा सकता है वो? एक वही तो जगह जहां उसे टेंशन नहीं होती। सारी परेशानियां नेहा से डिस्कस किए बगैर उससे रहा कब जाता है? कैसी परेशानी? सुसाइड वाली बात के अलावा और क्या वजह हो सकती है परेशानी की? जब प्यार नहीं करता तो परेशान क्यों हो रहा है? कजन है वो उसकी, टेंस हो रहा, नेचुरल है। अच्छा, तो तुम्हें वाकई ये नेचुरल लगता है उसका इस तरह बौखला कर नेहा के घर जाना? मानो मुझे तुम पर हैरत हो रही है। तुम इतनी सीधी हो कि उसने तुम्हें जो कहा तुम वो मान लेती हो। तुम कहना क्या चाहती हो आपने? मैं सिर्फ तुम्हारी आंखें खोलना चाहती हूँ। तुम जो उस पर अंधा एतमाद करके बैठी हो ना, जरा अपनी अकल इस्तेमाल करो। अब वकार को ही देख लो, मेरी जब उनसे बात हुई तो उस वक्त हॉस्पिटल में थे। उन्होंने मुझे बिल्कुल नॉर्मली बताया रानिया के बारे में, क्योंकि रानिया को वो कजन की तरह ट्रीट करते हैं। सिर्फ ताल्लुक जितना गहरा होगा ना, परेशानी भी उतनी ही होगी। मानो या तो फोन उठा लो या तो बाहर जाके बात करो। ऑफ नहीं कर सकता भाई सिंह, नजीर ग्रुप्स की तरफ से एक इंपॉर्टेंट कॉल आनी है। सो आई वाज टेलिंग यू, अब आ जाते हैं फाइनल रिवाइज प्राइसेस की तरफ। और फाइनल रिवाइज प्राइसेस सर, आपने फोन तो उठा लिया। क्यों फोन कर रही हो? वकार बात कर रहा हूं। थैंक यू। तुमने अभी तक रानिया से राब्ता खत्म नहीं किया? राब्ता खत्म करने के लिए राब्ता होना जरूरी है। एक लड़की तुम्हारे लिए सुसाइड कर रही है, मरते मरते बची है, बजाय उसकी टेंशन लेने के
तुम नेहा के पीछे दौड़े चले जा रहे हो। यानी आप तक भी फौरन इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। अब राज जब शोहर बेगाना हो जाए तो उसकी बीवी अपना मसला किसी और से डिस्कस करती है। भाईजन आपको जो समझ रहे हैं समझो, क्योंकि मैंने कुछ भी कहा तो आपने नहीं माना। घूरे मत मुझे, इतनी भी अकल से पैदल नहीं हूं कि मर जाऊं। आसरा रख के दवाई खाई थी मैंने, आपकी सोबत में रह रहकर अब तो कुछ समझ आना शुरू हो गई है मुझे। समझदारी दिखाई होती तो वहां शिफ्ट होने से पहले अपने प्यार का भांडा नहीं फोड़ती तुम। अपने लिए तुमने खुद दरवाजे बंद कर दिए हैं। क्या करूं भाभी, बातीपन में कर देती हूँ बेवकूफी। मंजिलें बेवकूफी से नहीं समझदारी से मिलती हैं। खैर मेरे पास एक प्लान है। क्या क्या प्लान है? तो मैं देख लूंगी कि उसके साथ क्या करना है। जैसा बताया ना बिल्कुल वैसे ही करना, ठीक है? ठीक है, समझ। कैसी है वो? ठीक है, लेकिन मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है जैसे अबरार को पाने की जिद उसके सर पे सवार हो गई हो। वैसे आंटी इस सब में वो सिर्फ अकेली कसूरवार नहीं है, अबरार भी बराबर का जिम्मेदार है। क्या मतलब कि वो भी बराबर का जिम्मेदार है? आंटी मैं कुछ कहना नहीं चाहती, फिर अबरार को इशू हो जाता है। बस उसको तुम रहने ही दो, उसको तो घर के हर फर्द से इशू है। तुम बताओ क्या कह रही हो, बिना झिझक बताओ ना मुझे। ये देखिए, मेरे समझाने पर रानिया ने मुझे ये तस्वीरें दिखाई हैं। आपको पता है ये उसकी बर्थडे की तस्वीरें हैं। सारा अरेंजमेंट अबरार ने खुद किया था, खास तौर पर रानिया के लिए। वो दोनों रेस्टोरेंट साथ गए थे। और आंटी आपको पता है ना कि वकार ने मना किया था, उसके बावजूद अबरार ने रानिया को अपना असिस्टेंट रखा, ये जानते हुए कि रानिया को कुछ नहीं आता करना। अब आप खुद सोचें, अबरार की तरफ से जब इतनी मेहरबानियां होंगी तो रानिया तो अट्रैक्ट होगी ही ना। दोनों की काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी आंटी, और ये सब ऐसे ही चलता रहता अगर रानिया शादी की डिमांड ना करती, क्योंकि अबरार तो उसके साथ सिर्फ वक्त गुजारना चाहता था लेकिन रानिया वो घर बसाना चाहती थी। आंटी आंटी वो ऐसे तड़प तड़प के रो रही थी, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। अबरार ने बहुत गलत किया है उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब अबरार से बात हुई? हाँ, बेकार में ही परेशान हो रहा था वो। पूरा दिन अलग अलग नंबर से वो कॉल करके परेशान करती रही है।
तो करने दो उसे कॉल। अब्रार को कहो कि इग्नोर करे उसे। अब्रार तो इग्नोर कर रहा था, भाईजान ने फोन उठा लिया। फिर तो खूब सुनाई होंगी भाईजान ने उसे। रानी ने भाईजान की आवाज सुनते ही फोन काट दिया। हाल बता, भाईजान ने अब्रार को बहुत डांटा। हाँ दे, भला इस सब में अब्रार का क्या कसूर है जो उसे लताड़े हैं भाईजान? अब्रार को कसूरवार बना के पेश किया जा रहा है भाई के आगे। भाईजान को लगता है कि अब्रार इक्वली इन्वॉल्व है। व्हाट? ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं भाईजान? वो सोच नहीं रहे, आपरीन भाभी उन्हें मजबूर कर रही है सोचने पर। मैं आ गई हूँ भाभी। आंटी चले आप हॉस्पिटल चले मेरे साथ, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैंने ईमेल्स पे सारी डिटेल मेंशन कर दी है, ईमेल अच्छे से चेक कर लेना और शिपमेंट लाजमी आज निकल जानी चाहिए। हाँ बहुत जरूरी है उसका जाना। मैं बाद में बात करता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप मुझे देखने नहीं आए? आपके लिए मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, आप देखने तो आते ना अब्रार मुझे। तुम चलो मेरे साथ। नहीं बेटा, क्यों खामखा परेशान हो? मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं आंटी, आप चले मेरे साथ। क्या हुआ फिर? कार देखिए ना आंटी, का बीपी बहुत हाई है। मैं तो इन्हें समझा रही हूँ लेकिन ये तैयार ही नहीं है हॉस्पिटल जाने को। आप बोले ना इनको लेकर चले हॉस्पिटल। अम्मी प्लीज देखिए, मैं आपकी तबीयत के हवाले से रिस्क नहीं ले सकता हूँ। चलिए। नहीं बेटा चले, शाबाश प्लीज। आप लोग चले, बैग लेके आ रही हूँ। आराम से, मैं कह रहा था अगर एक दफा आप चेकअप करवा लेती। कोई जरूरत ही नहीं भाभी, इस लड़की ने तो मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। एक लम्हे को उस पे से मेरी नजर हटी और पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे लगा यहाँ तो नहीं आई। यहाँ क्यों आएगी वो रुसाना? आंटी मैंने अभी रानिया और अब्रार को लॉन में जाते देखा है। रानिया मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि ये हरकतें करना बंद कर दो। मैसेज टोन बजते ही समझ जाना वो लोग आ रहे हैं तुम्हारी तरफ, फौरन ड्रामा शुरू कर देना। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ है तुम्हारा दिमाग? आप तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो क्यों कर रहे हैं? आप ही कहते थे आप मेरे बगैर रह नहीं सकते, मेरी आवाज सुने बगैर आपका दिन नहीं गुजरता, तो क्यों किससे डर है? अम्रारा मैं हूँ ना आपके साथ, मैं आपके साथ हूँ। आप एक दफा तो अपना ले मुझे, हम सबको समझा देंगे, सब मान जाएंगे। अम्रारा तू छोड़ कर अम्रारा, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। अम्रारा देख लिया भाभी, देख लिया आपने अपनी आंखों से, मेरी बेटी को इस दलदल में घसीटने वाला ये। नहीं फूफू, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रही हैं। किस किस को झुटलाओगे तुम? किस किस को? तुम्हें हमारे घर मिला था फेर चलाने के लिए? मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा इससे। देखा कैसे मुंह पर झूठ बोल रहा है? पहले तो इसने मेरी बेटी पे इल्जाम लगाया, लेकिन आप सबने देख लिया ना, मैंने तो आप सबको अपना समझा था। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी के साथ ही। के लिए रुखसाना इस वक्त तो चुप हो जाओ। भाभी मैं तो चुप हो जाऊंगी, लेकिन वो ऊपर वाला तो देख रहा है ना, वो जरूर इंसाफ करेगा। तुमने तो मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अगर तुम्हें जरा भी शर्म बाकी है तो डूब के मर जाओ।
मानो सारा गेम हुआ है। है साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी क्यों टूटते हैं रिश्ते क्यों रूठते हैं रिश्ते अपनों में दूरी पड़ी है सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते अपनों में दीवार खड़ी है साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी मेरी असलियत से पर्दा उठाने चले थे ना और अपनी ही बेइज्जती करवा बैठे वो एक शेर था ना बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वैसे मुझे शेर याद नहीं रहते लेकिन देखो मौके के हिसाब से कितना सही बैठ रहा है तुम पर बहुत खुशी हो रही है ना आपको मेरी इंसल्ट देखकर तुम बेकार में मुझे दुहाइयां देकर अपना वक्त जाया कर रहे हो और वहां महानूर अपनी पैकिंग कर रही है सामान की कोई फायदा नहीं है वो नहीं रुकने वाली मानूर तुम घर छोड़कर जा रही हो यहां रुकने का कोई जवाब नहीं बनता नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा तुमने आंखों देखे पर यकीन कर लिया हमारा रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं है क्या इतना खोखला था तुम्हारा यकीन जो जरा सी देर में खत्म हो गया हाँ हो गया है खत्म क्योंकि तुम वो अपराध नहीं हो जिससे मैं प्यार करती थी क्या समझा था मैंने तुम्हें और तुम क्या निकले मुझे लगता था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो मानूर मैं तुमसे ही प्यार करता हूं झूठ बिल्कुल झूठ अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी बहुत बन गई बेवकूफ मैं तुम्हारे प्यार में अंदाजा हो गया मुझे तुम्हारा प्यार परवाने की तरह नहीं है जो शमा पे जान देते बल्कि तुम तो भवरे की तरह हट जाई हो जो हर फूल का दीवाना हो जाए मैंने तुम्हें अपने दिल में बहुत ऊंचा मकाम दे रखा था अबराज लेकिन तुम अफसोस Thank you.
एक बार भी नहीं सोचा उसने ये सब कुछ करते हुए। शायद मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई होगी। पहले निशा और फिर अबरार। आंटी वो महानूर घर छोड़ के जा रही है, मैंने उसे बहुत रोका भी लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रही। आंटी मैं यहां से जा रही हूं। महानूर ये क्या कर रही हो तुम बेटा, ये क्या बेवकूफी है? आंटी मैं यहां नहीं रह सकती अब। देखो जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जो तुम कर रही हो उससे भी ज्यादा गलत है। ऐसे कोई अपने घर छोड़ के जाता है क्या? मेरी जगह तो पहले ही अबरार रानिया को दे चुका है। देखो मानू तुम बीवी हो उसकी, जो मुकाम तुम्हारे इस घर में वो किसी और का नहीं हो सकता। नहीं बकार भाई ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो अबरार यू रानिया के साथ अकेले। साथ रहने के लिए सिर्फ निकाह होना जरूरी नहीं होता, भरोसा भी एक वजह होता है जो कि हम दोनों के बीच में नहीं रहा। और रही बात प्यार की, तो प्यार के नाम पे शायद वो मुझसे भी अफेयर चला रहा था। मैं ही बेवकूफ थी जो उसे प्यार समझ बैठी। ऐसी बातें मत करो मानू, हम सब बात करेंगे उससे, मिलकर सब हल कर लेंगे ना। ये शादीशुदा जिंदगी है, हिसाब का सवाल नहीं है जो सब मिलकर हल करेंगे इसे। नहीं जाओ बेटा प्लीज। आंटी इस वक्त मुझे जाने दें, अगर मैं यहां और रुकी ना तो मेरा दम घुटेगा। प्लीज महानूर। क्या ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने, मैं आपसे बाद में बात करती हूं। ओके ओके ला। मॉम मानूर घर छोड़ के जा चुकी है। अरे हमेशा के लिए थोड़ी गई है, वक्ती नाराजगी है, जैसे ही नाराजगी दूर होगी घर वापस आ जाएगी। उसकी वापसी के रास्ते भाभी हमें सारे बंद करवा देंगे। रार की जिंदगी में कोई रहेगा तो सिर्फ वो मैं। रानिया तुम्हारे जुनून से मुझे डर लगने लगा है। डर तो मुझे भी लगता है मॉम अबरार को खोने का, पर अबरार मुझे नहीं मिले ना तो मैं मर जाऊंगी। अगर आप अपनी बेटी को जिंदा चाहती हैं तो बात करें मुमानी जान से, प्रेशर डालें, फोर्स करें उन्हें कि वो अबरार को राजी करें और मुझसे शादी कर ले। आप बात करेंगी ना, बताए ना, मनाएंगी ना उन्हें? आप बोले ठीक है बात करूंगी मैं। अरे भाई कौन आ गया? उस वक्त कौन आ गया? मानो इस वक्त अकेली आई हो? क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना? मानो तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या हो गया अब्बू?
क्या शादी के बाद लड़कियां अपने घर आके नहीं रह सकती क्या? बेटा आ सकती हैं, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे जमजम आओ, जिस वक्त मर्जी आओ, लेकिन इस तरह से आधी रात को इस... ठीक है बेटा, अंदर चल के बैठ के बात करते हैं। पूछना तो था कि हुआ क्या है। अरे देख रही हो ना कितनी परेशान है, अंदर चल के अभी बात करते हैं। अल्लाह खैर, किससे पूछूं? मैफी को फोन करती हूँ, उससे पूछती हूँ कि क्या हुआ है। यहाँ भी सब परेशान है अम्मी, महानूर जज्बाती बन में घर छोड़ गई है। वैसे मैंने सोचा है कल मैं आऊंगी ना तो उसको समझा बुझा के वापस घर ले आऊंगी। आप बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? ओके। अबरार की वजह से एक नहीं बल्कि दो घर डिस्टर्ब हो गए। नहीं आफरीन, दो नहीं तीन घर डिस्टर्ब हुए हैं। हुक्को भी बहुत ज्यादा परेशान है। वकार, शादी को अभी अरसा ही कितना हुआ है, घर वाले मोहल्ले वाले खानदान वाले सब क्या सोचेंगे? सबको तो मौका मिल गया ना बातें बनाने का। इससे बेहतर था मानो की शादी ना हुई होती अबरार से। जिस दिन से निकाह हुआ है उस दिन से मुसलसल मानो ज़हनी अज़ियत का शिकार है। शायद चंद ही लम्हे होंगे जिसमें वो खुश हुई हो। इस रिश्ते से खुशियां कम और आंसू ज्यादा मिले हैं मानो को। मैं बहन हूं उसकी, उसकी दुखों उसकी आंसुओं की गवाह रही हूं। और अब रानी आ गई है बीच में। क्या होगा अब वकार, क्या अंजाम होगा इस रिश्ते का? देखो आफरीन, जैसे मानूर तुम्हारी बहन है बिल्कुल मेरी भी है, और मैं उसके साथ कोई भी नाइंसाफी कोई भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। से प्यार करते थे ना, तो क्यों कर रहे हैं? आप ही कहते थे आप मेरे बगैर रह नहीं सकते, मेरी आवाज सुने बगैर आपका दिन नहीं गुजरता, तो क्यों किससे डर रहे हैं? अमरारा, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपके साथ हूं। आप एक दफा तो अपना लें मुझे, हम सबको समझा देंगे, सब मान जाएंगे। तुमने तो मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अगर तुम्हें जरा भी शर्म बाकी है तो डूब के मर जाओ। मेरी असलियत से पर्दा उठाने चले थे ना, और अपनी ही बेइज्जती करवा बैठे। वैसे मुझे शेर याद नहीं रहते, लेकिन देखो मौके के हिसाब से कितना सही बैठ रहा है तुम पर। परवाह नहीं थी मुझे जो सारी दुनिया के सामने बेहद पार ठहराया जाता, पर तुम्हारी नजरों में जो टूटा वो तुम्हारा मुझ पर भरोसा नहीं, मेरा तुम पर मान था जो तोड़ दिया तुमने।
सबको लगता है मैं फ्लर्टी हूं, मेरा रानिया के साथ अफेयर चल रहा है। अम्मी, भाईजान और मानूर, खैर अम्मी और भाईजान से मुझे कोई शिकवा नहीं है। उन दोनों की नजर में मैं जज्बाती, बदलिहाज और पता नहीं क्या क्या था। वो दोनों मुझे नहीं समझते, लेकिन मुझे इस बात का कोई गिला नहीं है उनसे। लेकिन महानूर, इन्हें उसे तो समझना चाहिए था, मुझे मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। मैं वहां बिल्कुल अकेला पड़ गया था, सब मेरे खिलाफ खड़े थे, और जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था कि वो मेरे साथ खड़ी होगी, वो मुझे छोड़कर चली गई। अब्रार सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट की गई थी कि रानिया के प्यार या एतबार सिचुएशन देखकर नहीं होता नीनू, वो बस होता है। और जब होता है तो कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, ना साथ छुटता है और ना भरोसा टूटता है। आफरीन भाभी ने बहकाया है उसे। वो प्यार और एतबार ही कैसा जो किसी के भी बहकावे में आकर भटक जाए। सबर करो, थोड़ा सा वक्त दो इस बात को। मानू का गुस्सा ठंडा होगा, वो तुम्हारी बात जरूर समझेगी। बेटा तुम बैठे, मानू ने अपने आप को कमरे में बंद किया है, ना कुछ खा रही है, ना पी रही है, ना बोल रही है। इतनी तकलीफ है उसके चेहरे पर कि बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे देख के, कलेजा मुंह को आ रहा है मेरा। अम्मी, कोई कम कयामत तो नहीं टूटी है ना मानो पर? उसका प्यार, मान, भरोसा अब्रार ने एक झटके में सब तोड़ दिया। रानिया मुझे पहले ही खटकती थी, देखा तुमने कैसे बसा बसाया मेरी बेटी का घर उजाड़ के रख दिया, हर खुशी को तहस नहस कर दिया उसने। तुम देखना मेरी बेटी को जिन्होंने भी खून के आंसू रुलाए हैं ना, अल्लाह एक एक आंसू का हिसाब लेगा इंशाल्लाह। अम्मी, अब ये बद्दुआएं देने से कुछ नहीं होगा, अब आगे का सोचें क्या करना है। क्या मतलब है तुम्हारा? अब्रार की बीवी मानू है, अब्रार की जिंदगी में रानिया का अमल दखल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। मैं और तुम्हारे अब्बू जाएंगे सफिया बहन से करेंगे बात, ऐसे कैसे हो सकता है? अम्मी, आंटी और वकार का इस बात से कोई लेना देना नहीं है, और उनसे बात करने का कोई फायदा भी नहीं है। अब्रार अपनी मनमानी कर रहा है, वो किसी की बात नहीं सुन रहा। क्यों? वकार ने कोशिश भी की थी उससे बात करने की और वो बदतमीजी करके चला गया। इतनी अब क्या होगा? पता नहीं अम्मी, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मैं महानूर से मिलती हूँ जाकर। मानो, जब जो तो मान कहा था तुम्हें मैंने, इस रिश्ते में तुम्हारे लिए सिवाय अज़ियत और आंसुओं के कुछ नहीं रखा। अब्रार वो इंसान नहीं है जो तुम्हारा हमसफर बनने के लायक हो। तुम उसके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहती थी ना, लेकिन उसके कदम तो किसी और ही राह पर भटक गए। देखो मामा, शौहर बेवफा हो ना तो बीवी उसकी बेवफाई को बर्दाश्त ही करती है ना, रिश्ता बचाती है। कितनी बेबस और कमजोर होती है औरत, तभी तो वो सारी जिंदगी अपने शोहर को दूसरी औरतों के प्यार में बहकते, अपने से बेवफाई करते देखती रहती है, चुपचाप सब बर्दाश्त करती है। इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं होता ना। ना तो मैं बेबस हूं और ना ही मजबूर हूं, और ना ही अब्रार की बेवफाई बर्दाश्त करूंगी, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी।
बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम मानो, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। तुम्हें किसी भी तरह खुद को अकेला समझने की जरूरत नहीं है और ना ही कमजोर पड़ने की जरूरत है। मानो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर तरह का साथ लेने के लिए, चाहे फिर तुम्हारा फैसला कुछ भी हो। साजिश मेरी है आदत बनी।